दरियावद में 7 जनवरी को आदिवासियों का उमड़ेगा जनसैलाब। आदिवासी चिंतन शिविर की बैठक हुई संपन्न। 7 जनवरी को आदिवासी सम्मेलन में पहुंचेंगे हजारों समाजजन। दरियावद 2 जनवरी 2019 बुधवार को आदिवासी चिंतन शिविर का आयोजन रेनिया मंगरी स्थित मीना समाज भवन में नलवा सरपंच पुरीलाल मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत 7 जनवरी को जवाहर नगर पेट्रोल पंप के निकट आदिवासी सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ साथ आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए विभिन्न पंचायतों से पधारे हुए आदिवासी गणवीरों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सभी ने तन मन धन से सहयोग देने की बात रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोत्र सरपंच सूरजमल मीना ने बताया कि अधिक संख्या में लोगों को जागरूक करते हुए अपनी परंपराओं के अनुसार वेशभूषा में आना है। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में सभी साथियों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने अपने क्षेत्र से आदिवासी गणवीरों को जागरूकता के साथ तैयारी करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी के साथ आना है। कार्यक्रम की योजना बनाने में सभी का सहयोग प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत विशिष्ट अतिथि आर पंचायत के सरपंच शांतिलाल मीना, व्याख्याता गौतम लाल मीना, राजेश रिया, डीआर मीना, प्रकाश कुमिया, प्रकाश कुंता, गुमान सिंह खानाराम, जवाहर नगर 2 अर्जुन खराड़ी, सुरेश मीना, राजमल बरोड, प्रवीण खराड़ी, रमेश चंद्र परमार, गौतम लाल मीना, नरेंद्र मीना, कैलाश मीना, राजमल दीवाला, मुकेश बरोड, दीपक मीना, गिरधारी लाल, जयंती लाल, लक्ष्मण, कपिल, सोहन लाल, देवी लाल माल, राजमल हरमोर, भगवान लाल बामिया, नितिन कुमार बरोड, बामन कामरा, गोविंद गुज, कन्हैया लाल, मनोज मीना, सीताराम, हेमंत मनात, शंकर लाल, रमेश मीना सहित सैकड़ों लोगों ने मिलकर बैठक को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कार्यवाही करने की अनूठी पहल संपन्न की गई। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी नारायण परमार व निसार कुमार आहारी ने किया। वो तो जागरूक है और वो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन जो जागरूक नहीं या फिर अनदेखा कर रहे, उनको उनके घर घर जाके अपन लोग आदिवासी जो परिवार है उसमें 4-5 बंदे हर पंचायत में भेजेंगे और उनके घर पे पीले चावल रखे आएंगे और उनको कहेंगे आपको 7 तारीख को उस सभा नहीं आए तो फिर आपको क्या करना है, जिस पंचायत में आप हो नहीं आए आदिवासी संसदीय शिविर में, अगर वो ये चाहते हैं जिस परिवार को, ये परिवार मुझे यहाँ तो धकेलने वाला है या फिर आगे ले जाने वाला है, वो खुद तय करेंगे, अपन तय नहीं करने वाले। और रही बात सहयोग राशि, जो भी बंदा जो भी भाई है अगर सहयोग देना चाहते हैं तो वो अपनी स्वेच्छा से दे। यूं नहीं है कि कोई भी भाई आएगा और आपसे संदा मांगेगा भाई 500 रुपए, फिर 5 दिन बाद में दारू पी के पता नहीं होश हवास में आप व्हाट्सएप पे लिख दोगे 500 रुपए लिए, मेरे 500 रुपए कहाँ गए, इतना मांगू उसी टाइम में हमारे पास हिसाब नहीं मिलेगा। हम जितना होगा हमारे मान ला जिस दिन बहुत ज्यादा है उस दिन भी हमने तय कर दिया था जितना पैसा होगा हम कर लेंगे, चाहे 5,000 है चाहे 10,000 है। और हमारे सर हैं जो जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, अगर उन्होंने कह दिया तो मुझे ये बात रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, अगर वो बैठे हुए इसमें किसी से नहीं डरूंगा और जो बात है वो खुले मन से करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। और जो कारवा है मैं जैसे सर ने कहा कि आप मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुला प्रचार कर सकता हूँ, मैं खुद नहीं डरता हूँ।